हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन है अपने पास। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो इन दिस केस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो हम पहले a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो अपने पास हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिख देते हैं, ए की जगह पर अगर हम एक्स और बी की जगह पर अगर हम वन अपान एक्स ले लें तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स प्लस वन अपान एक्स होल क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन अपान एक्स स्क्वायर और टू ए बी। मैं लास्ट में ले देता हूँ, तो यहाँ हम माइनस की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, एंड बिकम माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू अपने पास है। तो आ जाएगा x प्लस वन अपान एक्स होल स्क्वायर इक्वल 11 माइनस टू। यहां पर हम प्लस करते तो हमें 13 मिलता और 13 का स्क्वायर रूट निकालना इजी ना होता, इसलिए हमने माइनस की आइडेंटिटी यूज करी। तो हमें मिल जाएगा x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, तो हमें हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ओके, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट को माइनस करने पर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब जब अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी भी अपने को पता होनी चाहिए, एक्स क्यूब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, ये क्यूब लगा देते हैं। तो क्यूब वाली जो वैल्यू है हमें क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स और प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स स्क्वायर। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके, इससे तो वही आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अपने को पता है, तो यहाँ हमने 3 लिखा, 3 का क्यूब और इक्वल आया, इक्वल में वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब और माइनस, यहाँ से चेक करिए, सिंगल एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी सिंगल एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस थ्री इंटू एक्स और प्लस थ्री इंटू वन अपॉन एक्स। तो दोनों से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम माइनस 3 कॉमन लिए तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वन अपान एक्स, एक्स माइनस वन अपान एक्स। ओके, तो 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा और इक्वल एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपान एक्स क्यूब अपने पास है, हम पहले से निकाल के बैठे हैं 3, तो ये भी रख देते हैं, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं 27 और 3 3 9 आएगा, 9 को ट्रांसपोज करेंगे अनदर साइड तो ये हो जाएगा प्लस में इक्वल एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। तो 27 और 9 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36 इक्वल एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। तो ये आंसर रहा, इसको हम और शॉर्ट कट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। ये तो लंबे तरीके से हुआ किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, और अलग अलग पावर्स के लिए भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे और भी इस तरह से बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा।